हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की मैं शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग वॉक से, आज की व्लॉग की शुरुआत। तो मैं मॉर्निंग वॉक पे निकल चुकी हूँ। तो ठंडे ठंडे वेदर की मॉर्निंग्स बहुत ही अच्छी लगती हैं, मज़ा आ रहा है वॉक करने में। बाकी दिनों के मुकाबले आज ठंड थोड़ी कम है, लग ही नहीं रहा कि ठंडा है। तो मौसम अच्छा, बहुत ही प्यारा हो रहा है, ठंडक ठंडक सी है, लेकिन ठंड लग नहीं रही है। वॉक करते तो वैसे भी ठंड नहीं लगती है, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। बिल्कुल अच्छा वेदर है आज, बहुत ही प्यारा। तो गाइज, ये उबल रहा है पालक, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी पालक पनीर। एक तरफ पालक पनीर बनाऊंगी और एक तरफ बनाऊंगी चिकन। तो ये पालक पनीर के लिए मैं पालक बॉईल कर रही हूँ, मैंने वॉश कर लिया था और रफली ऐसे ही कट करके बड़े बड़े ही पत्ते मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और ये एक बॉईल, दो बॉईल लाऊंगी इसके अंदर, फिर गैस बंद कर दूंगी, ठंडा होने दूंगी इसको, फिर मुझे पीसना है। तो ये जब पालक मैं बॉईल कर रही हूँ पालक पनीर के लिए, इसमें मैंने 1 pinch सॉल्ट डाल दिया है, जिससे कि इसका कलर ऐसा ही बना रहता है डार्क ग्रीन। ये ग्रीन चिलीज हैं जो मुझे अभी धोनी है और फिर इनको सुखानी है और फिर फ्रिज में रखनी है। यहाँ पे रखा है धनिया, इसको भी मुझे साफ़ करना है। मैं नींबू भी लाई हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मैं पीती हूँ लेमन वाटर, तो उसके लिए मुझे नींबू लाने थे, तो नींबू ले आई हूँ। और ये पालक कुछ और पत्ते हैं जो मैं चिकन में डालूँगी, और चिकन मैंने भिगो कर रखा हुआ है, इसको वॉश कर रही हूँ। तो ये है पालक, हरा धनिया मैंने एक पालक ले लिया था मैंने, जैसा दिखाया मैंने आपको बॉइल करा था, और साथ में मैंने 2 green chilies को ग्राइंड कर लिया है। तो ये पेस्ट तैयार है, ये जाएगा पनीर, जैसे ही ये टमाटर भून जाएंगे उसके बाद मैं इसके अंदर ये डालूंगी। तो पनीर मैंने यहाँ पर देखिए फ्राई कर लिया है, बस डाला तेल में और हल्का सा ऐसे स्टोर करके निकाल दिया। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है कढ़ाई में तेल, तेल गर्म था, उसी तेल में मैंने डाल दिया जीरा, जीरा चटक दिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी लहसुन, तो प्याज के ब्राउन होते ही मैं डाल दूँगी इसमें ग्रीन चिली और टमाटर, और इसको हमें भून लेना है अच्छे से जब तक ये टमाटर गल ना जाए। तो टमाटर भुनते ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे मैं 1 मिनट भूनूंगी। कढ़ाई में मुझे थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया है, करीब 3 चम्मच ये खाने वाले टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून मैंने अलग कर लिया, क्योंकि ये पालक डालने पर तेल सारा उड़ जाता है, तो मैं ये ऊपर से डालूंगी। तो मैंने पालक डाल दिया है और पालक अब इसके अंदर कुक हो रहा है, थोड़ा सा पानी भी ऐड करा है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी सॉल्ट, पिसा गरम मसाला और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। इसमें मैं रेड चिली भी डालूंगी, थोड़ा सा ब्लैक पेपर मैंने ऐड कर दिया। अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। थोड़ी सी हल्दी, इससे कलर अच्छा आ जाएगा। सूखी भरी डालिए और इसको हम अच्छे से कुकर में देते हैं। यहाँ पर मैंने चढ़ा लिया था कुकर, कुकर में तेल डालकर मैंने डाल दिया है लहसुन, लहसुन के ब्राउन होते ही टमाटर और हरी मिर्ची, और इसको मैं भून लूँगी अच्छे से, फिर डालूँगी चिकन। तो पालक में से ऑयल सेपरेट हो गया है, पालक हमारा बॉइल था, और इसका टेस्ट मैंने नमक अभी ही टेस्ट कर लिया है, आप इस स्टेज पर नमक टेस्ट कर लें, थोड़ा सा कम था मैंने थोड़ा सा नमक, और मुझे मिर्ची थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने वो डाला है ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा और डाला है करीब 1/2 चम्मच, और फिर उसके बाद मैंने भूनने दिया है इसको। अभी बिल्कुल तैयार है, बस एक बार मिक्स करके मैं इसके अंदर पनीर डाल दूँगी, और पनीर डालने के बाद उसको कवर कर दूँगी फॉर अबाउट 1 मिनट और उसको उसकी भाप में रख दूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं
टमाटर और जो हरी मिर्ची थी वो अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन। तो पनीर बिल्कुल तैयार है। इसमें मैंने जो मैंने ऑयल निकाला था अलग से सेपरेट, इसी का कुक्ड ऑयल, वो मैंने ऊपर से डाल दिया है और थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दी है। तो बहुत ही डिलीशियस टेस्टी पालक पनीर बिल्कुल तैयार है। आप इसको ज़रूर से ट्राई करना, बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत ही यम्मी होता है। यहाँ पर मैंने चिकन डाल दिया है। चिकन को मुझे तब तक भूनना है जब तक ये थोड़ा पानी ना छोड़ दे। तो चिकन भून गया है। अब मैंने जो इसके ऊपर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है करीब 1 टेबल स्पून। अब मैं डालूँगी इसके अंदर हल्दी। इसमें जाएगा सॉल्ट और इसके अंदर जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर। आधा चम्मच मैंने पिसा गरम मसाला भी डाल दिया है और मैंने थोड़ा पानी डाला है। अब इस पानी को जब तक कि सूख में जाता है मुझे उसको भूनना है चिकन को अच्छे से इन्हीं मसालों के संग पानी के अंदर। तो ये है पालक और धनिया जो मैंने कट कर लिया चिकन में डालने के लिए। तो अब ये समय है कि मैं इसको उसके अंदर डाल दूँगी। चिकन में से पानी रिड्यूस हो गया है जो मैंने डाला था वो। और अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से और विसल लगा देंगे इसके अंदर हम 3 से 4। थोड़ा सा पानी मैंने डाला है, आधा कप मान ले छोटा वाला। और अब मैं इसमें विसल लगा लूँगी करीब 4। तो कुकिंग इज़ डन, डिनर हो गया है मेरा। अब मैं कर लूँगी अपना फेस क्रीम, नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। और इसके ड्राई होते ही मैं लगाऊंगी फेस पे मॉइस्चराइजर हल्का सा और नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन इज डन। लगा लेते हैं मॉइस्चराइजर।